आपका स्वागत है फिर से उस समर के हमारे इन व्लॉग्स में। जी हाँ, हमें समर व्लॉग्स करने में बहुत मजा आ रहा है यार। मुझे समर तो नहीं लग रही है, विंटर वापस आ गई। गाइस, आज हम आए हैं हमारे ही घर में, आपको पता है वंडरलैंड। यहाँ पर है कम से कम 350 राइड, 400 तरह का खाने का। रुको, ऑलरेडी लोगों को पता है कि वंडरलैंड क्या है, कहाँ पर है, क्या क्या है, क्या। फिर भी बताना तो पड़ता है, क्या पता किसी ने पहली बार क्लिक किया हो। यार तो उनको बोलो कि पहली ब्लॉग देख के आओ। ओए मुंह चको, तो पहला ब्लॉग देख के आओ, मुंह चक के इधर आ गए हो। फैमिली आज हम कर रहे हैं गोइंग थ्रू शेड। जी हाँ, तो गाइस पहली राइड है ये ब्राउन वाली। ये ऑरेंज है डूडी। ओ ब्राउन है यार, ऑरेंज है। गाइस कमेंट करें कौन सा कलर है ये। वेल फैमिली हमारी दूसरी राइड है ये वाली, ये ब्लैक कलर वाली। और ब्लैक नहीं, पीच कलर है यार वो। यार डूडी मां, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मां। ओके, और तीसरी है रेड वाली। मां मुझे सब दिखाई दे रहा है। हमने हमेशा आईपैड आईफोन के लिए लड़े हैं, लेकिन आज हम पहली बार लड़ रहे हैं खाने के लिए, बिकॉज हमने घर से कुछ खा के नहीं आए। मुझे जान निकली पड़ी है। मुझे सिर्फ वंडरलैंड का पिज़्ज़ा पसंद है। तो मैं वंडरलैंड की फ्राइज खाना पसंद करूंगा। आला मैं बर्गर यार, ऑफ कोर्स यार। अरे ठंडा पानी, रब्बा बचाई। मेरा घर है बजवारी जावा। मेरी पहली बारी है और मुझे लगता है मैं शेप से निकल जाऊंगा, क्योंकि आपका री वैसे आजकल शेप में चल रहा है ड्यू टू वेदर रीजंस। जिम करने का ज्यादा मन करता है इसलिए। तो फैमिली पहली जो शेप है वो मुझे समझ नहीं लग रही। संजय कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज दिस। आपको ऐसे हाथ ऐसे चौड़े करके आ रहा है एकदम। यार संजय इजी शेप दे दिया तूने। ये शेप ना इजी लगती है जब बंदा स्पीड से आ रहा होता ना, बंदा सोचता है करूं क्या मैं। सो फैमिली मैं बहुत एक्साइटेड हूं। पहली मुझे शेप मिली है ए जाने वाली। अब पता नहीं आपका री ए कैसे जाएगा। तो तुम पीछे करो ना। पीछे तो जाओ। चीटिंग है गाइस, चीटिंग है गाइस, चीटिंग है, ये चीटिंग है। नो चीटिंग, व्हाट चीटिंग। यही होता है क्या कहते हैं अनएक्सपीरियंस्ड बंदे जो हक देते हैं हमेशा। सो माय टर्न नाउ, गो। ये पकड़ो। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा गलती मैंने क्या की। यार मेरे हिसाब से आपकी गलती ये हुई कि आपने ठंडे पानी को ज्यादा महत्व दे दिया। ते होर मैं मामा अपनी एक्स नु देना सीगा। यार ये आप कहां से लेके आते, इसको हटा दो भाई। इसको हटा दूं? तो क्या, और मैंने अपनी करंट को देना था। करंट कौन है? तो एक्स कौन है? कैसा लगा मेरा मजाक? आपके एक्सपीरियंस से आप मुझे क्या सलाह देना चाहते हो? सलाह ये देता हूँ, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, तू 100% हगने वाले हो। सो फैमिली अब मैं मेरी टाइम स्लाइड देख सकते हो, ये बड़े स्पीड में जाने वाली है। आई एम गोना ट्राई माय बेस्ट, यू नो, गेट द परफेक्ट शेप। सो या लेट्स गो बेबी। आपका ये वाला हिस्सा लगा है। मैं कुछ भी नहीं। I want to see the replay दिखाएं प्लीज। जी हाँ। I feel like Diksha will, you know, make it through the ship. Means वो जीत जाएगी, पता नहीं कैसे level one. क्योंकि feeling आ रही है, because वो बहुत ज़्यादा छोटी है, बटली है, and shape बहुत बड़ी है. So yeah. और अभी मैं shape से I know मैं जा सकती हूँ, तो I'll do it.
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कैसा रहा एक्सपीरियंस बताइए प्लीज। मेरे नाक में पानी चल गया सारा। मैंने क्या किया क्या? तू ऐसे करके आई पूरी। ये डंगल बता रहे पानी अंदर चल जाएगा, पानी अंदर चल जाएगा। डिसाइड किया ये वाली शेप बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट है, हमें पता है ये किसी से नहीं होने वाली बिकॉज दिस इज अनकंट्रोलेबल। ये जो शेप है ये बहुत ज्यादा हार्ड है बिकॉज पहले भी एक स्लाइड है, ये स्लाइड क्या होता है ना, आप जब सीधे जाओगे ना आपको टेटे-मेटे हो जाओगे, एंड ऊपर से जो शेप है ये साइडवेज, आपको ऐसे करके निकलना है बीच में से। अनफॉर्चुनेटली गाइस हमें इसको इससे पिज्जा वैसे मैं सॉरी अलाउड नहीं है ऐसे। हाँ। तुम्हारे शेप टच हुई है और अभी मेरी बारी, संजय की बारी। नहीं नहीं मेरी टर्न है, मैं करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं गाइस। नहीं लेट द बस प्रोफेशनल बोलना तो आता नहीं है। चलो यार चल चल। दीक्षा मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है? हम एक काम करते हैं, जैसे नीचे आएगा ना तू अपनी तरफ कर लेना, मैं चाहता हूँ इसका मुंह बजे, इसमें फट जाए। आप लोगों ने मेरे टाइम भी यही सोचा था। नहीं मैं फेयर गेम खेलूंगी। बस प्रोफेशनल बोलना तो आता नहीं है, मैं चाहता हूँ इसका मुंह बजे, इसमें फट जाए। जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं बेवकूफ, वो नहीं जानते हैं उस रेस का सिकंदर मैं हूं। गुड जॉब यार, इट्स कॉल्ड टेक्निक। ओके क्या बात है, मजा आया गाइस, मजा आया। मेरी बारी ने बा एक शेप में से निकलवा दे गाइस। पूरा फोकस रखना पड़ेगा मुझे क्योंकि ये गेम फोकस की है, ये बातें करनी, ये मैं करके दिखाऊंगा, ऐसे नहीं होता। जहाँ तक मेरे को लगता है ये भैया आगने वाला एकदम ही डजंट नो शेप मैन, उनको शेप बनानी नहीं आती। मैं मेरे को लगा कंट्रोल में, वो कंट्रोल में नहीं जा रहा। अरे शेप के अंदर से जा रहा था, उसको गले भी निकाला था। अरे यार रब्बा, आर यू गाइस सेइंग दैट आई एम इन अ लीड? स्लाइड बेसिकली जो ये स्लाइड है फैमिली, इसके बीच में हम लोग नहीं बता सकते भैया को कि कौन सी शेप है बिकॉज़ यही चैलेंज है। नीचे आने के 1 सेकंड पहले, 0.1 सेकंड पहले आपको शेप में अपने आप को बदलना है। गाइस एक जबरदस्त आईडिया है, धीरे-धीरे जाता हूं। शेप से निकलने की बात होती, ये नहीं बात होती कितनी स्पीड में आना जाना है। बहुत तेज हो रहा है, हैं? बहुत तेज हो रहा है। मैं थोड़ी स्पीड कम करके आ रहा था। आई नो मैं इससे होने तो नहीं वाला बिकॉज ऑब्वियसली जब पाके धोनी हुए तो ये कैसे ही होगा, ये सबसे डिफिकल्ट है यार।
पागल हो, पागल हो। अभी जो अगली शीट लेके आई है, मैंने हल्की सी चीटिंग की है, बट ठीक है। वो जब शीट लेके आ रहे थे ना, मैंने यहाँ से ऐसे करके देख लिया था। इट्स डाउट। आई एम योर विनर, लेट्स गो। सो फैमिली, आपको तो पता ही है कि चैलेंज में पूरा जीत गया हूँ। एंड सिंस आई एम द विनर, मैंने तीनों चीजें मंगवाई है, बर्गर, पिज्जा एंड फ्राइज। गाइस एक बात बताओ, ये तीनों चीजें मंगवाने का कोई लॉजिक था? एक चीज मंगवा था जो खाना था, बर्गर। ये चिढ़ाने के लिए फ्राइज की मंगवाई है? बिकॉज़ मतलब इसको पता है मुझे कितना मन था पिज्जा खाने का, ये जानबूझ के मंगवाया है यार। मेरे मुंह में पानी ही जा रहा है। यू आर चालाक ब्रो, चालाक ब्रो, चालाक। तुझे याद है जब तू छोटा होता था, मैंने तुम्हें एक बार पिज्जा खिलाया था, याद है? मैं छोटा होता था यार, कहां याद रहना यार मेरे को यार। आई वाज अ लिटिल किड मैन। अगर आप दोनों को खाना है राइट, आपको कैमरे में देख के बोलना है, संजय जैसा विनर आज तक कोई ये दुनिया में आया नहीं है, ठीक है? हम संजय के जो पैरों के नीचे मिट्टी होती है उसकी भी बराबर नहीं है। अरे नहीं, अरे नहीं। और मैंने नहीं खाना। उठ उठ, सेल्फ रिस्पेक्ट। यार देखो डूडी, सेल्फ रिस्पेक्ट तो आती जाती रहती है। एक सेकंड रुको। देखो सेल्फ रिस्पेक्ट, आप थोड़े मिनट इधर बैठो। क्या लाइन है, धूल मिट्टी बराबर जितनी भी नहीं हूँ। नहीं हूँ भाई, दे दे भाई। असंभव।